AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूं तो बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस बार उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो वाकई में बहुत गंभीर है और इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। मॉब लिंचिंग, ये शब्द आपने सुना होगा, यानी भीड़ का गुस्सा, किसी को पीट देना, मार देना, कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। गुजरात से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसको आधार बनाते हुए ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। दरअसल गुजरात से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ पुलिस वाले एक युवक को पोल से बांधकर उसे पीट रहे हैं। उस पर आरोप ये लगा है कि नवरात्रि के दौरान जो गरबा कार्यक्रम होता है वहां पर इस युवक ने पत्थर फेंके थे, ऐसा इस पर आरोप है। जब इस पर ये आरोप लगे तो वहां के लोग आग बबूला हो गए, मौके पर पुलिस को बुलाया गया और फिर इस शख्स को पोल से बांधकर पीटा गया। सार्वजनिक तौर पर खंभे से बांधकर जिस तरह से इस युवक की पिटाई हुई उसका मुद्दा हर तरफ गूंज रहा है। आपको बताते चले, इसी का मुद्दा ओवैसी ने उठाया है। चूंकि ये शख्स मुस्लिम समुदाय से आता था तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के प्रमाण मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा, पुलिस की तरफ से मुस्लिम युवकों की पिटाई और भीड़ हिंसा अब आम बात हो गई है। ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, एवरी डे देर इज मोर एविडेंस ऑफ मास रेडिकलाइजेशन, फ्लॉगिंग्स एंड मॉब वायलेंस बाय कॉप्स हैव बिकम कॉमन, टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम इज ट्रीटेड एज जस्टिस, दिस इज द रियलिटी ऑफ मोदीज विश्वगुरु न्यू इंडिया 5G $5 trillion टन इकोनॉमी। इसका मतलब है कट्टरता के अधिक मामले सामने आ रहे हैं और भीड़ की तरफ से हिंसा आम बात हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा को इंसाफ के रूप में माना जाता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मोदी के विश्व गुरु, नए भारत बनने और 5 trillion की अर्थव्यवस्था की हकीकत है। बता दें, अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज चैनल के वीडियो को टैग भी किया। इस वीडियो में पुलिस कुछ युवकों को सरेआम बांधकर पीट रही है। अब चूंकि ये मामला बीजेपी शासित गुजरात का है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की सार्वजनिक तौर पर खंभे से बांधकर पिटाई की। इसी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसको मुद्दा बनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया। वैसे आपको बताते चले, ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है और ओवैसी ने ऐसे वक्त में तंज कसा है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर इन सारी चीजों का असर बीजेपी पर पड़ना तय है। हालांकि इस बहाने असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिमों को अपने पक्ष में करना चाहेंगे, बीजेपी का वोट काटना चाहेंगे, लेकिन इसका असर गुजरात में और गुजरात चुनावों में कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं? ओवैसी ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।